नमस्कार दोस्तों, आज 13 जून 2023 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां हैं। चलिए जानते हैं अखिलेश भाई साहब के पास, ये जो गाड़ियां लगी प्याज की ये सब इन्हीं के पास है। आज के क्या क्या रेट हैं जी, कहाँ कहाँ का माल है, क्या स्थिति है, और भी जानेंगे भाई साहब का के पास से, क्योंकि इनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है प्याज के बारे में। पर प्याज का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, सबका अपना अंदाज होता है। चलिए दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं अखिल भाई साहब से, अखिल गुप्ता जी से, आज की क्या स्थिति है जी। नमस्कार भाई साहब जी, अखिल भाई साहब जी कितनी गाड़ियां आ रही जी मार्केट में, क्या पोजीशन, और 10 मिनट कम से कम जो जो आपके पास डाटा लगातार पिछले महीने से इकट्ठा हो रहा उसको शेयर करो, क्योंकि इससे ना किसानों को काफ़ी उलझन में पड़े हैं। लोगों ने घटिया माल भी रोक रखे, यानी खराब माल भी रोक रखे, और वो इस चक्कर में है कि 15 दिन में 20 दिन में रेट आ जाएंगे, और वो माल निकाल निकाल के ना उनमें से, जैसे मान ले किसी ने 100 कट्टे रखे, अब तक उनकी वो 2-3 बार छंटाई करके वो 60 कट्टे रह गए अब उन पर, अब भी उन्होंने वो रोक रखे। वैसे पहले आज की मंडी की बात कर लेते हैं। हाँ जी, आज 35 गाड़ी का ताज़ा अराइवल है। 35? हाँ, करीब करीब 50 गाड़ी माल करीब बैलेंस है जी। अच्छा जी, टोटल 85 गाड़ी माल मंडी में है बिक्री के लिए आज। हाँ जी, और भाव की बात करें तो जो बढ़िया एक नंबर सुपर माल है इसमें एक नंबर, ये सब एवरेज क्वालिटी है जी आज। अच्छा जी, फिलहाल में जो भी पलटा हुआ सब एवरेज क्वालिटी में है ये। हाँ जी, जो एक नंबर सुपर माल है वो बिके हैं 15 रुपये से लेकर 17-17.5 रुपये। अच्छा जी, जो अच्छे माल है नासिक के पूना के जो बढ़िया सुपर माल है, बाकी एवरेज मालों का बाजार यही मानो आप 11 रुपये से लेकर 12-13 रुपये। अच्छा जी, नासिक पूना एमपी हर एक माल का, बाकी बात अगर क्वालिटी करें तो क्वालिटी अभी भी ख़राब ज़्यादा आ रही है, बढ़िया माल कम आ रहे हैं। हाँ जी, दागी माल अभी भी आ रहे हैं, माल ख़राब बहुत हो रहे हैं, पहले भी हो रहे थे और अभी भी काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। अच्छा जी, बाकी मालों की क्वालिटी अभी तो बस्ती भी दिखनी रही, एवरेज क्वालिटी के मालों के पैसे नहीं बनेंगे। जो माल ख़राब हो रहे हैं उनको किसान छटाई कर रहे हैं, मेरा तो उनको सुझाव ये है कि उन मालों को बेचना चाहिए। अच्छा जी, क्योंकि उन मालों में आगे भी भाव बनेगा नहीं। हाँ जी, भाव आज भी जो बढ़िया मालों में ही है 16-17 रुपये का जो भाव है आज भी बढ़िया मालों का है, हल्के मालों का भाव आज भी 9-10-11 रुपये ही है। अच्छा जी, ये पहले भी चल रहा था अभी भी यही है, जो भाव बढ़ा है वो बढ़िया मालों में बढ़ा है और आगे भी बढ़िया मालों में ही बढ़ेगा, हल्के मालों में भाव उतना नहीं बढ़ेगा। हाँ जी, और अगर हल्के मालों में 2-4 बढ़ेंगे भी तो उससे ज़्यादा माल ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, तो मेरा तो सुझाव यही है, बाकी ये मेरा निजी सुझाव है कि हल्के मालों को बेचना चाहिए। अच्छा जी, बाकी क्या होगा तो ऊपर वाले को पता है जी, लेकिन मेरा निजी सुझाव ये है कि जो हल्के माल उनको बेचना चाहिए। हाँ जी, जो बढ़िया माल है उनको रोकना चाहिए, उनमें पैसे बनेंगे। अच्छा जी, 25 दिन बाद महीने भर बाद जब थोड़े हल्के मालों में शॉर्टेज आ जाएगी तो बाजार चलना चाहिए, ऐसा अनुमान है। अच्छा, क्योंकि प्याज ख़राब बहुत हुआ है, अभी भी हो रहा है लगातार। जहाँ से आपके प्याज आ रहे हैं नासिक पूना से, वहाँ क्या स्थिति बनी हुई जी? भाई साहब प्याज पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पैदा होता है सब जगह ख़राब हो रहा है, चाहे एमपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा में थोड़ा बहुत जो निकलता है, चाहे यूपी में जो थोड़ा बहुत लोकल निकलता है, सब जगह प्याज ख़राब बहुत हो रहा है, क्योंकि बारिशें हुई हैं। हाँ जी, बारिशों की वजह से प्याज में रोग है, अंदर में बीमारी है। अच्छा जी, उसकी वजह से माल ख़राब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो यही परेशान कर रहे हैं, भाव नहीं बनने दे रहे, क्योंकि हल्के मालों की अराइवल बहुत ज़्यादा है, वो नहीं बढ़ने दे रहे बाजारों को। हाँ जी, जब तक ये हल्के माल रहेंगे जब तक भाव नहीं बनेंगे। अच्छा, ऐसा लगता है 20-25 दिन अभी और इन मालों की अराइवल रहेगी और ये भाव यहीं टिके रहेंगे। अच्छा जी, 20-25 दिन के बाद थोड़ा सा हल्के मालों की अराइवल कम होगी और कुछ भाव बढ़ना चाहिए। अच्छा जी, और जैसे बांग्लादेश का बॉर्डर खुल रहा है जी, बांग्लादेश में देखो भाई साहब, बांग्लादेश का रास्ता ना 6 दिन का है, ठीक है, अब 3 दिन के रास्ते में माल नहीं पहुंच पा रहा है, 6-7 दिन के रास्ते में माल कैसे पहुंच पाएगा ये? तो कह रहे हैं 200-250 ट्रक जा रहे हैं वहां पर, सब जा रहे हैं, लेकिन जो माल ड्राई होगा सूखा होगा वही जाएगा, भाव उन्हीं का है, हल्के मालों का वहां भी पैसा नहीं बनेगा। अच्छा जी, जो माल खराब हो रहे हैं उनका पैसा वहां भी नहीं बनेगा, पैसा उन्हीं का बनेगा जो माल ड्राई है, जो माल अच्छे हैं उन्हीं के पैसे बनेंगे। अच्छा जी, 6 दिन का रास्ता है वहां का जी, बिल्कुल है ना जी। अच्छा जी, और ये आप तो इसके नेफेड की सारी जानकारी रहती है जी, इनकी क्या पोजीशन है जी? नेफेड वालों ने खरीदारी शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी वो थोड़ा स्लो स्पीड से खरीदारी कर रहे हैं, खरीदारी चालू है लगातार, थोड़ा क्वालिटी जो माल आ रहे हैं उनके मतलब के वो ले रहे हैं वो लोग, जितना उनका लक्ष्य है उतना वो माल इकट्ठा कर लेंगे जी। हाँ, आराम से हो जाएगा। कैसे कर लेंगे जी इतना माल जी वो? अभी देखो जी, नेफेड को क्वालिटी से मतलब होता है, उनको भाव से मतलब नहीं होता, उनके मतलब की क्वालिटी आनी शुरू होगी वो किसी भाव में प्याज ले लेंगे। अच्छा, सरकार को
ये माल नफे नुकसान के लिए नहीं करना है, घाटे नफे के लिए नहीं रखना है, ये माल सरकार को बाजार को स्थिर रखने के लिए लेना है। अच्छा जी, सरकार का जो मोटिव है इस माल को रखने का वो ये है कि बाजारों में बहुत ज़्यादा रेट ना पड़े, तो गवर्नमेंट अगर थोड़ा ऊंचे भाव में माल लेती है तो उनको कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी, ठीक है ना जी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर जिस दिन भी गवर्नमेंट को माल पूरा करना होगा, एक दो रुपये रेट बढ़ा के माल पूरा हो जाएगा। अच्छा, कोई ऐसी मालों की ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है अभी कि माल मिल नहीं पाएगा। हाँ जी, किसान को अगर भाव से प्याज अगर आज की रेट में बढ़िया मालों का भाव 10-11 रुपए का है, यही भाव अगर 15-16 होगा तो बढ़िया माल की आवक बढ़ जाएगी, तो माल पूरा हो जाएगा। माल पूरा होने में कोई बड़ी बात नहीं है जी। अच्छा जी, अच्छा कुछ इसके जानकार ये भी बता रहे कि ये जो खराब माल है जी, ये लगातार जुलाई के महीने में भी आते रहेंगे जी? हाँ, अभी तो मौसम बिगड़ना शुरू होगा जी, उस टाइम पे तो माल खराब होते ही है। अच्छा, जब सर्द गर्म होता है, बारिश होती है, तो मौसम में जब नमी आती है उस टाइम पे प्याज में खराबी आती ही आती है। अच्छा जी, तो माल तो और खराब होंगे जी आगे आगे, अभी तो गर्मी भी उतनी तेज नहीं पड़ रही, अब 4-5 दिन से पड़नी शुरू हुई है खाली। हाँ जी, हाँ गर्मी तो अभी 4-5 दिन से हुई जी है ज्यादातर, वैसे तो पहले आगे जब बारिश होगी तो और ज्यादा माल खराब होगा। पर आने वाले दिनों में तो फिर दोबारा बरसातें दिखा दीजिए, वो नुकसान करेगा ना जी, सर्द गर्म मौसम बनेगा वो नुकसान करता है। अच्छा जी, वही तो सब्जियों को नुकसान करता है जी, सब सब्जियों में नुकसान हो जाता है जी। तो रेट सेम जो चल रहे एक दो दिन 4-5 दिन से पिछले सप्ताह से सेम और आगे भी सामान्य ही दिख रहे हैं। अच्छा जी, रुपए 2 रुपए की तेजी मंदा होता रहेगा बस, बाकी बहुत ज्यादा बढ़िया माल के भी रेट बढ़ेंगे नहीं अभी आने वाले दिनों में? नहीं, बढ़िया मालों में तो बाजार ठीक ही रहेगा जी, आज भी 16-17-18 रुपए बाजार बिका। मान लो जो 16-17-18 रुपए किलो है ना जी, आने वाले दिनों में ऐसा भी होएगा कि 1-2 रुपए ऊपर नीचे रहेगा 15 दिन तक आगे। अच्छा जी, ज्यादा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि 30 रुपए पहुंच जाए जो बढ़िया माल सुपर क्वालिटी, तो नहीं लग रहा जी ऐसा। अच्छा जी, अभी तो नहीं लग रहा, बाकी देखो जी क्या होता है कुदरत के आगे। अच्छा, लगता नहीं ऐसा अभी, क्योंकि अभी मंडियों में आवक पूरी है, आवक की कोई कमी नहीं है, पीछे आगे 15-20 दिन आवक पूरी दिख रही है। अच्छा, रहेगी लग रहा है, चारों तरफ आवक पूरी है जी। हाँ, लग रहा है ऐसा कि 15-20 दिन अभी आवक पूरी रहेगी, 15-20 दिन के बाद ही आवक थोड़ी कटेगी। आवक चाहे घटिया माल की है बढ़िया माल की है पूरी है जी। तो जो ग्राहक है जी आपके पास, जैसे VIP माल लेने वाले आते हैं, उनका कोटा पूरा हो रहा है जी यहाँ पर? अभी हो जाता है जी, थोड़ा बहुत माल तो आ ही रहा है बढ़िया। अच्छा, इसमें नहीं आ रहे थे लेकिन अब पिछले 8-10 दिन से अच्छे माल आने लग गए, इसीलिए 16-17-18 रुपये भाव हो गया बाजार में। अच्छा, मंडी में हमारे यहाँ। अच्छा जी, चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी।